परिवार वाले कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि सुरक्षा कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चार कमांडो की बात हो रही है कि थे उनके साथ, दो ही बच्चे थे जब सुरक्षा 6 जून के मद्देनजर हटाई गई थी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिरकार जो परिवार के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, जो लास्ट थ्रेट यानी चिट्ठी के माध्यम से या कैसे भी उनको कोई लास्ट थ्रेट आया था, कितने दिन पहले आया था, और वो कब से ऐसे ही थार जैसी गाड़ी या बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं जा रहे थे, या सिर्फ उस दिन ही ऐसा हुआ कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में वो नहीं है, उनके साथ उनके कमांडर नहीं थे, या अमूमन ये हुआ करता था? अर्पिता देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिद्धू मूसेवाला को थ्रेट पिछले लंबे समय से आ रहे थे, और इस कदर आ रहे थे कि उनको फोन और ईमेल्स पे हर कम्युनिकेशन के माध्यम से उनको थ्रेट मिल रही थी, नंबर वन। नंबर टू, सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी थ्रेट आए हैं, आजकल वो ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी धमकाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एक लंबे समय से जब थ्रेट आ रहे थे तो सिद्धू मूसेवाला कहीं ना कहीं यूज टू हो गए थे, उन्हें लग रहा था कि ये जो धमकियां हैं ये कहीं ना कहीं हवा में है। दूसरी बात, पुलिस सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों नहीं ली? एक गांव में, जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव के इर्द गिर्द वो घूम रहे थे, अगर गांव के इर्द गिर्द आप पुलिस फोर्स लेकर घूमते हैं या बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर घूमते हैं तो बेसिकली जो देहाती इलाका होता है, रूरल एरिया होता है, वहां पर उसे शो ऑफ माना जाता है और ये कहा जाता है कि ये आदमी कहीं ना कहीं घमंड में चूर है। और सिद्धू मूसेवाला की छवि एक ऐसे व्यक्ति की बनी हुई थी जो बहुत ही लिबरल, बहुत ही उदार है, यानी कि कोई फैन आ गया तो ना सिर्फ उसके साथ फोटो खिंचवाना बल्कि उसके साथ जलपान भी कराना और को, मतलब ठीक है, पूरी तसल्ली करके वो भेजते थे। देखिए, जो ये आप लोगों की गिरफ्तारी की बात हो रही है इस पे, क्योंकि उस समय कुछ तस्वीरें आप दिखाने लग गए थे तो तस्वीर को साफ नहीं हो पाई थी, ये जो 8 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, कौन है ये लोग, और वो 8 लोग जिनको शूटर के तौर पर चिन्हित किया गया था उनमें से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या ये वही गिरफ्तारी, इन्हीं 8ों की गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, अभी पुलिस इस पूरे मामले पर खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन तो लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा अर्पिता, कि ये जो 8 गिरफ्तारियां हुई हैं, ये गिरफ्तारियां वो हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की, इस केस की कड़ियों को खोलने का काम करती हैं। आप चाहे मन्ना की बात करें, केकड़ा की बात करें, या फिर उन हमलावरों की बात करें जिन्होंने एक दूसरे को गाड़ियां प्रोवाइड कराई हैं। एक गाड़ी बुलारा है जिसकी रजिस्ट्रेशन राजस्थान का है, लेकिन उसको सोनीपत के 2 गैंगस्टर्स पंजाब में छोड़ के जाते हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेज सामने है। बोले कोरोला गाड़ी जो थी, कोरोला के बारे में मैंने बताया कि सराज नाम का एक क्रिमिनल अमृतसर की जेल में बंद है, और सराज से मुलाकात मनप्रीत मन्ना की अमृतसर जेल में हुई। जब वो जेल से बाहर आया तो सराज ने बाकायदा मोबाइल फोन से संपर्क साध से उसके कहा कि इन फला व्यक्तियों को गाड़ी प्रोवाइड करानी है। सराज को भी पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है अमृतसर की जेल से। ये जो 8 गिरफ्तारी हुई है, दरअसल पुलिस अभी तक शूटर्स के पास नहीं पहुंची है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि शूटर्स के इर्द गिर्द पुलिस अब घूम रही है, चाहे वो उत्तराखंड की गिरफ्तारी हो, चाहे वो अमृतसर जेल की गिरफ्तारी हो, या फिर मानसा से, मोगा से की गई गिरफ्तारियां हो। सत्येंद्र, जैसे खबरें की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है उसमें दिख रहा है कि बहुत बार ये लोग कार बदल रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? जो कार बरामद भी हुई है उनका लेना देना किससे है, कितनी बार इन्होंने कार बदली है, और जो शूटर कहा जा रहा है पुणे, हरियाणा, राजस्थान, कितने कितने शूटर कहां कहां से संबंध रखते हुए जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये शूटर्स जो है अलग अलग जेल से इनको डायरेक्शन मिल रही थी। डायरेक्शन नंबर 1 ये थी कि आपको गाड़ियां प्रोवाइड की जाएंगी उनको, एक अलग अलग जेलों से, एक अमृतसर जेल से खेल चल रहा था, एक दिल्ली, अलग अलग जेल। देखिए, जिस सराज की बात हम कर रहे हैं, सराज अमृतसर की जेल में बंद था और सराज का काम था एक व्हीकल प्रोवाइड कराना। दूसरा, हम बात कर रहे हैं लारेंस बिश्नोई गैंग की। लारेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सोनीपत से जो प्रियव्रत फौजी है, पर्वत फौजी है, और जानटी नाम के जो बदमाश हैं, इन दोनों बदमाशों ने बोलेरो गाड़ी हरियाणा से लेकर पंजाब तक पहुंचाई, और इनको जो शार्प शूटर्स थे उनको सख्त हिदायत ये थी कि जब काम हो जाए, यानी कि जब आप कत्ल कर दें, मर्डर कर दें, उसके बाद ये गाड़ियां आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, यानी कि इन गाड़ियों को ये रास्ते में छोड़ गए। रास्ते में इन्होंने एक गाड़ी धर्मकोट जगह है मोगा के पास, वहां से ऑल्टो
कार जिसमें एक फैमिली जा रही थी, हथियार के दम पर उस गाड़ी को लूटा और उस गाड़ी को भी मोगा में छोड़कर वो फरार हो गए। यानी कि एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था और उसमें ये था कि किसी भी तरह के आप मार्क्स नहीं छोड़े, किसी तरह के निशान नहीं छोड़े, आपको कम्युनिकेशन एक दूसरे से नहीं साधना है, आपको वो जो व्हीकल इस्तेमाल किए हैं क्योंकि उनको पहले पता था जगह जगह सीसीटीवी कैमरे होते हैं, जगह जगह पर वो नेटवर्क में आएंगे, लिहाजा उन्होंने अपने कम्युनिकेशन के साधन भी बदल दिए और अपने ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी बदल दिए और यही वजह है कि पुलिस को इन शार्प शूटर्स तक पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ रही है। अभी लेकिन तक इतना तय है कि पुलिस जहां पर बंद है सिर्फ वहां के लिए सवाल उठता है कि वो वहां से बैठ के कैसे ऑपरेट कर रहा था। अब आप एक और बता रहे हैं, यानी दो तीन जेल में बैठे जो अपराधी हैं वो बाहर बैठे अपने गुर्गों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे हरकत कीजिएगा, ऐसे गाड़ी बदल दीजिएगा, ऐसे हत्या कर दीजिएगा। तो ये तो सवाल ये भी है कि जेल से बैठकर वो पूरा एक हत्याकांड को रच डाल रहे हैं और सिर्फ एक जेल से नहीं, इसके तार आप बता रहे हैं और जेलों से ऐसे कमांड मिल रहा था इन गुर्गों को। देखिए फिरोजपुर केंद्रीय जेल में भी पंजाब पुलिस की एसआईटी ने रेड की, दो लोगों को वहां से उठाया, दो मोबाइल फोन जब्त किए और एक अहम सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि जिस दिन शाम को सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कर दिया गया उसी दिन शाम को मर्डर के बाद फिरोजपुर केंद्रीय जेल में कैदियों के दो गुटों में मारपीट हुई और हॉस्पिटल तक उनको लाया गया। यानी कि ये जो साजिश चल रही थी इसके तमाम तार अलग अलग जेलों में जुड़े हुए थे और जेलों के अंदर से दिशा निर्देश आ रहे थे। और अब जो कड़ियां खुल रही हैं उसमें भी आप देखिए, चाहे लारेंस बिश्नोई हो, चाहे सराज हो या फिर फिरोजपुर केंद्रीय जेल हो, इन जेलों के अहम रोल इसमें मिले हुए हैं। यही वजह है कि एसआईटी ने सबसे पहले दबिश जेलों के अंदर देना शुरू करी थी। लारेंस बिश्नोई से अब तक 2 से 3 बार पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा सराज को पंजाब पुलिस की एसआईटी अमृतसर जेल से गिरफ्तार करके ला चुकी है, दो लोगों को फिरोजपुर जेल से पकड़कर लाया गया है। तो ये सब इंडिकेशन इस बात के हैं कि ये जो ताना बाना था ये पंजाब और दिल्ली की जेलों से अंदर से बुना जा रहा था ताकि जो जेल के अंदर बैठे हैं उन पर किसी तरह की आंच भी ना आ सके, क्योंकि जेल के अंदर जो कैदी बैठे होते हैं उनके पास सबसे बड़ा सेफ गार्ड, सबसे बड़ी ढाल ये होती है कि हमने कुछ नहीं किया, हम जेल के अंदर बंद हैं, हम जेल के अंदर से कैसे काम कर सकते हैं।